हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आया हूँ हरिद्वार। अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ। एक्चुअली में क्या, हरिद्वार में बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीलकंठ। सुबह के 6 बज चुके हैं। हमने कि दिल्ली से डायरेक्ट नीलकंठ ही चले जाएँ, क्योंकि ना फिर बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि पहले नीलकंठ जाए, बाद में हरिद्वार हम घूमेंगे। तो मेरे साथ राजू आया और हरमन है, वैसे तो मम्मा भी आए हैं और मेरी मामी भी आई हैं, तो उनको मैंने अपनी मौसी के यहाँ उतारा है। तो हम जा रहे हैं अब नीलकंठ। बट यार, ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो रखा है यहाँ पे ना, बहुत स्लो है आज, क्योंकि ये अब 1 जुलाई से स्कूल ओपन होंगे, तो इसलिए ये लास्ट वीक है जो समर वेकेशन का। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है। चलो, जाम तो खुल गया, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। चलो मिलते हैं पहाड़ों पे, आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत अच्छा अच्छा व्यू है। तो जब भी आप ऋषिकेश और तपोवन से आएंगे तो यहाँ से ये नीलकंठ के लिए जाएगा। यहाँ पे ब्रिज है, बहुत अच्छा व्यू है, आप यहाँ पे सेल्फीज वगैरह ले सकते हैं, फैमिली फ़ोटोज ले सकते हैं। ये देखो, नीचे राफ्ट जा रही है, ये देखिए, ये पीछे से आती हैं, यहाँ से आती हैं, ये यहाँ से गंगा जी आती हैं शिवपुरी वगैरह होते हुए, तो ये सीधा यहाँ से हरिद्वार आगे आगे जाती है गंगा जी। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, ये देख सकते हैं आप सब, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, मेरी बहुत फोटोज़ हैं, इसलिए मैं लेना ही बंद कर दिया यहाँ पे अपनी फोटो। बस अब नीलकंठ जा रहे हैं। रास्ते में हमें थोड़ा जाम मिल गया था, यहाँ पे आते आते हमें 2 घंटे हो गए। अभी 1 घंटा हमें नीलकंठ के लिए भी लगेगा यहाँ से। है तो यहाँ से 20 किलोमीटर्स, बट 1 घंटा लगेगा। तो चलते हैं और देखते हैं, आई थिंक ट्रैफिक बहुत है, तो ऊपर रश ना हो, आई होप सो। मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ दर्शन करके। भाई साहब, इस उस्ताद को मान गए, ये लेके आया है, क्या है ये, टाटा मैजिक। ये सवारी होती है हरियाणा से, भाई साहब ये इतने बंदे बिठा के ले आया, इस बंदे को मान गए भाई हम तो। एक तो इनको इतनी चुल होती है ना भाई साहब, ये आगे कैब वालों को, ये देखो, ये देखो कैसे निकाल के लेके जाते हैं, इतनी चुल है ना भाई साहब इनको, बहुत ज्यादा चुल है भाई। सो गाइस, यहाँ से हम जा रहे थे तो यहाँ पे वाटरफॉल है, बट गर्मी की वजह से ना यहाँ पे बहुत कम पानी है, ये देखो बहुत ही कम पानी है। और इसके बाद ना एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये गाड़ी नीचे चली गई खाई में। ये एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहाँ पे ले आए होंगे एंड पॉइंट पे और हैंड ब्रेक लगाना भूल गए होंगे और ये सीधा फिर नीचे चली गई होगी। तो जब भी आप आए ऐसी जगहों पे, हिल स्टेशन पे, तो प्लीज़ केयरफुल रहे, ऐसी जगहों पे कार अलग से पार्क करें, साइड पे पार्क करें, क्योंकि लैंडस्लाइड भी हो सकती है। ये देखो चारों साइड पहाड़ है इसके, ये उधर खड़ी करी होगी इन्होंने, ये देखो बिल्कुल नीचे। अब ये निकालना भी मुश्किल हो जाएगा इस गाड़ी को, क्योंकि कहीं है ही नहीं जगह निकालने की। ज़्यादा क्राउड में आने का यही मतलब होता है कि 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया हमें। ये देखो यहाँ पे पार्किंग इन्होंने टेम्परेरी बना रखी है, यहाँ से अब 3 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ेगा। चलो, हम तो अकेले आए हैं, बट जिनके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, उनके लिए कितना दिक्कत है। तो भाई, ये ना छुट्टियों में जब ज़्यादा क्राउड हो ना तो आना अवॉइड करो, नहीं तो आप बच्चों के साथ और फैमिली के साथ बहुत परेशान हो जाओगे। ये देखो भाई कितना जाम है, अभी तो 1 किलोमीटर आए हैं हम, अभी तो 2-2.5 किलोमीटर और जाना हमने, बहुत जाम है। देखो कहाँ कहाँ से जाना हो रहा है, साइड साइड से। बहुत जाम है भाई, यहाँ से पैदल जाओ, बस पैदल चलते जाओ, 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलना है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं पैदल जा रहा हूँ, नहीं तो जब भी आया हूँ बिल्कुल एंट्रेंस के सामने मेरी गाड़ी लगती है। वो कहाँ गए?
अबे आ जाओ भाई, ये देखो मॉडल बन के घूम रहे हैं यहाँ पे, जल्दी आ जा बनवाऊ तेरे मॉडल। वो देखो गाइस हमें ना वहां जाना है, वो देखो वो बिल्डिंग्स है ना, ये देखो ये बिल्डिंग है, इसके पास जाना है हमें। यहाँ से दिखने में पास है बट ये बहुत दूर है अभी, पहाड़ों का रास्ता भाई घूम घूम के जाएगा। फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पे शॉप पे, हमने थाली ले ली। हाँ माचिस दे दो यार, कहाँ से यहाँ से जाएगा, वहां से पीछे से। अरे ध्यान नहीं रहा यार मुझे फोन करना, ये मेरा दोस्त है सुनील चौहान, ये यहीं पे रहता है, काफी सालों से हमारी यारी दोस्ती है, 10-12 साल हो गए, तो जब भी आता हूँ मैं इसी के बाद से ही थाली लेके जाता हूँ, बहुत अच्छा बंदा है ये। चलो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितनी लाइन है, कितना रश है, पैसे दिखने को तो रश लग ही रहा है, पब्लिक बहुत है। चलो चलो, अरे भाई यहाँ से ही लाइन लगना चालू हुई है तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से। आजो भाई आराम से चलियो, हरमन तूने कौन सा लिया? अच्छा हमने, अच्छा सेम ही ले लिया, सही है, ये वाला था भी नहीं मेरे पास। चलो भाई चलो चलो, आज तो भाई तौबा हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ है आज। 3.5 घंटे से हम नीलकंठ से आए हैं यहाँ पे, अब हरिद्वार ब्रह्मकुंड पे आ गए, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ही ज्यादा। ये देखो, ये देखो भाई साहब कितना क्राउड है, ये देखना कितनी पब्लिक है यहाँ पे। ये मेरी फैमिली आ गई है यहाँ पे, मासी मामी और मम्मा, भाई सब बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। मैं कभी सीजन में नहीं आया समर वेकेशन पे, बट आज देख लिया कितना क्राउड होता है यार। बहुत ज्यादा रश है ना, कोई नहीं यहीं पे नहा लेंगे, जहाँ पे नहाएंगे है ना, यहाँ नीचे नहा लेते हैं, है खाली जगह देखे वहीं पे स्नान कर। हाँ यहाँ पे स्नान, नहाना नहीं स्नान। ओके ये हमारा काली काली भाई, काली कौन सा, इन्होंने ये वाली चीज भी ब्लॉक कर दी वहां से लेकर वहां। हाँ यहाँ से वहां तक है ना भाई, यहाँ नहा लेंगे ना, वहां पे बंद किया हुआ है नहाने के लिए, उधर है इधर जहाँ पे आरती होगी। ओके भैया Thank you.